हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्विचगियर ट्रेनिंग जोन। आज की वीडियो में हम सीखेंगे कि एनालॉग टाइम स्विचेस के कनेक्शन कैसे करते हैं और वो हम प्रैक्टिकल हम करके भी देखेंगे। तो अगर आपने मेरी अभी तक प्रोग्रामिंग की वीडियो नहीं देखी कि आप एनालॉग टाइम स्विचेस की प्रोग्रामिंग कैसे करेंगे, तो पहला वीडियो देखें और अच्छी सी नॉलेज ले लें इसकी प्रोग्रामिंग के बारे में। मैं उसका लिंक अपनी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि पिंस का मतलब क्या होता है, तो यहाँ पे काउंटिंग लिखी होगी 1, 2, 3, 4, 5। तो 1 और 2 बेसिकली क्या है, मेन सप्लाई है। तो मेरे पास अभी देखिए मेन सप्लाई की दो वायर है, एक फेज और एक न्यूट्रल। तो मुझे क्या देना है, अभी मैंने 1 पे क्या दे रखा है, मुझे फेज देना पड़ेगा 1 नंबर पे। तो मैं यहाँ पे फेज कनेक्ट कर देता हूँ। और मुझे 2 पे क्या देना है, न्यूट्रल। तो मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ, न्यूट्रल कनेक्ट कर देता हूँ। तो ये मैं इसको मेन सप्लाई दे दी। जैसे ही मैं सप्लाई दिया तो अब क्या होगा, जैसे ही मैं सप्लाई ऑन कर दूंगा तो ये क्लॉक क्या होना, घूमना शुरू कर देगा। अब मेरे पास एक मेरा लोड है जो कि एक बल्ब है, इसके दो तार हैं, एक उसकी फेस की तार, एक उसकी न्यूट्रल की तार। तो मुझे इसको कैसे जोड़ना है, बेसिकली मुझे क्या करना है, ये हमारा स्विच क्या करता है, ये सिर्फ फेस को कंट्रोल करेगा। किसको कंट्रोल करेगा, फेस को। तो मुझे क्या करना है, सबसे पहले तो मैं क्या करूंगा, इसको न्यूट्रल दे दूंगा डायरेक्ट। तो मैं क्या करता हूँ, न्यूट्रल के साथ इसको कॉमन कर देता हूँ, क्योंकि मुझे न्यूट्रल को ऑन ऑफ नहीं करना। तो मैं क्या करता हूँ, न्यूट्रल के साथ इन दोनों को कॉमन कर देता हूँ। तो अभी मैंने क्या कर रहा हूँ, इसको न्यूट्रल के साथ कॉमन कर रहा हूँ। तो अभी देखेंगे ये हो गया न्यूट्रल के साथ कॉमन। अब मुझे क्या करना है, फेस की वायर को कहाँ लगाना है। तो फेस की वायर मुझे 3, 4, 5 की सेक पे लगानी पड़ेगी। तो मुझे इसको लगानी है नंबर 4 पे। किस पे लगानी, नंबर 4 पे लगानी है। तो सब फिर मैं क्या करूँगा, नंबर 4 को ओपन करूँगा, नंबर 4 पे क्या कर दूंगा, वायर को कनेक्ट कर दूंगा। तो नंबर 4 क्या, कौन सा पॉइंट था मेरा, एनो पॉइंट था। एनो पॉइंट का नॉर्मली ओपन होगा, ये क्लोज कब होगा, जब मेरा टाइमर टाइम के अकॉर्डिंग इसको क्लोज करेगा तब। तो इसको मैं लगा दिया नंबर 4 पे। अभी आप देखोगे इसको फेस कब मिलेगा, जब ये ऑन होगा। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, एक वायर लेनी पड़ेगी लूपिंग के लिए। किसके लिए, लूपिंग के लिए। तो उसको मैं जोड़ूंगा पहले नंबर 3 पे। कहाँ जोड़ूंगा, नंबर 3 पे जोड़ना पड़ेगा मुझे। और उस 3 को जोड़ना पड़ेगा मुझे अपनी मेन सप्लाई से। किससे जोड़ना पड़ेगा मुझे, अपनी मेन सप्लाई से। तो मैं इसको मेन सप्लाई से जोड़ देता हूँ। तो ये मैंने कर दिया इसके कनेक्शन पूरे। मुझे थोड़ा टाइम लगा, बिकॉज मुझे आपको बताना भी था और समझाना भी था। तो मैंने इसके अकॉर्डिंग कर दिया कनेक्शन। इसको मैंने पहले फेस दिया, देन न्यूट्रल दिया, और ये मेरी जो वायर थी लोड की वायर है, एक फेज और न्यूट्रल। फेज को मैं दिया नंबर 4 पे और 3 नंबर की वायर को लूप कर दिया मैंने मेन सप्लाई के साथ। तो ये कनेक्शन इसके रेडी हो चुके हैं। तो अब हम देखेंगे सप्लाई ऑन करके कि ये एक्चुअल में वर्क करता है कि नहीं करता है। तो चलिए सप्लाई ऑन करते हैं। अब मैंने अपनी सप्लाई ऑन कर दी है। तो अभी देखेंगे, मैंने आपको जैसे पहले बताया कि अगर मैं इसको ऊपर कर दूंगा तो क्या करेगा, परमानेंट ऑन करेगा। अभी देखिए मेरी लाइट परमानेंट ऑन रहेगी। टाइम आप कुछ भी कर दीजिए, इसको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। आप जो भी टाइम करेंगे इसको कोई फर्क नहीं, बिकॉज आपने क्या सेट किया, परमानेंट ऑफ, परमानेंट ऑन। अगर मैं इसको डाउन कर दूँ तो क्या करेगा, परमानेंट ऑफ, मतलब आप कुछ भी कर दो सेट, इसको कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला। आपको ये लोड परमानेंट ऑफ करने का फीचर इसने दे दिया है। अगर मैं इसको करूँगा सेंटर में, कहाँ करूँगा, सेंटर में, तो मतलब आपकी प्रोग्रामिंग के अकॉर्डिंग ये चालू करेगा और बंद करेगा। अभी मैं इसको हाथ से क्यों घुमा रहा है, बिकॉज ये जब क्लॉक घूमती है तो इसको टाइम चाहिए 15-15 सेकंड में आपको दिखेगा जस्ट मूव होता हुआ। तो इतना टाइम, अगर मैं वीडियो बनाऊंगा तो वीडियो काफ़ी लेंथी हो जाएगी। तो जस्ट ये क्लॉक ऐसे घूमेगा जब इसमें सप्लाई जाएगी, तो ऐसे घूमता रहेगा और आपको आपका लोड जो भी है वो ऑन ऑफ होता है। मतलब जैसे आपकी सुई घड़ी घूमती है जो आपके घरों में होती है, उस तरीके से घूमता रहेगा और आपको आपका जो लोड होगा वो
चालू या बंद होता रहेगा। तो मैं आपको एक जस्ट एग्जांपल बताता हूँ। अभी मैं क्या करता हूँ, सभी को ऑफ कर देता हूँ। जैसे मैंने अभी सभी को ऑफ कर दिया, देखेंगे अभी सभी ऑफ है। जस्ट एक प्रैक्टिकल के लिए सपोज करिए कि अभी बज रहा है शाम के 6, तो शाम के 6 का मतलब जैसे मैंने पहले बताया था 18 बज रहे हैं, तो मुझे यहाँ पे क्या देखना है 18। इसको मैं घुमा के लाता हूँ 18 पे, और हमेशा क्लॉक वाइज ही घुमाना है। तो अभी मैं इसको ले आता हूँ 18 पे, अभी देखेंगे ये आ गया मेरा 18 पे। तो अब मैं इसको शाम से लेके सुबह के 6 बजे तक ऑन कर देता हूँ। तो मैं इसको जितने भी इसके पास नीडल हैं सभी को ऑन करना पड़ेगा मुझे, तो मैं सभी को क्या कर देता हूँ, ऑन कर देता हूँ। आप इसको पिन से भी कर सकते हैं और हाथ से भी कर सकते हैं। तो मैं देखिए सभी को ऑन कर दिया, कब तक करना है, सुबह के 6 बजे यानी कि इस पिन तक। तो अभी मैं देखिए सबको ऑन कर दिया, तो अभी मैंने सुबह के 6 बजे तक ऑन कर दिया। तो कैसे पता सुबह के 6, बिकॉज यहाँ पे देखिए 6 बज रहा है, यहाँ तक सारी पिन ऑन है। तो अब देखिए जैसे मेरी क्लॉक घूमना स्टार्ट होगी, तो देखिए अभी क्लॉक घूम रही है, अभी देखिए सारे ऑन है, आपका लोड बंद नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा, बिकॉज आपने सबको ऑन करके रखा है। देखिए जब तक ये क्लॉक घूमते घूमते 6 तक नहीं चली जाएगी, देखिए अभी रात भर चालू है, अभी रात के 12 बज गए, रात के 1, 2, 3, आप देखते रहेंगे अभी टाइम कैसे घूम रहे हैं, रात के 3, 4, 5, अब ये बजना सुबह के 6 और आपकी लाइट बंद। अब पूरे दिन भर नहीं चालू नहीं होगी, चालू नहीं होगी, चालू बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए, बिकॉज आपने ऐसा सेट कर रखा है। और जैसे ही शाम के बजेंगे दोबारा से 6:01 पे ही आपकी लाइट चालू, और आपका जो भी लोड है, जैसे आपका शाइन बोर्ड हो सकता है, आपकी दुकान की लाइट हो सकती है, आपके गोडाउन की लाइट हो सकती है, जो भी आपका लोड है, जो भी आप ऑन या फिर ऑफ करना चाहते हैं वो चालू हो जाएगा। तो ऐसे आप प्रोग्रामिंग इसकी इजिली कर सकते हैं। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो। थैंक यू।